दी ग्रैनीज चैनल की तरफ से फरहत का सलाम, जुमा मुबारक हो सबको। इसके साथ साथ इन दिनों की इबादत और जो हमने रोज़ा रखा हुआ है उसको अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और हमारी आइंदा दिनों में भी पूरी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर तरह की इबादत को जारी व सारी रखें और नेकियां कमाना ना भूलें। इन दिनों में जबकि हम ये दिन गुजार रहे थे और ज़िक्र अज़कार हो रहे थे और तलावत बंदा ज़्यादा करता है, फिर दूसरे दीनी मालूमाती प्रोग्राम भी देखने को मिले, तो मेरे दिल में बार बार ख्याल आता था कि क्या हम अल्लाह ताला का पसंदीदा बनना चाहेंगे। तो जवाब भी यही आता है दिल में कि यकीनन हर बंदा अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा बनना कबूल फरमाएगा। तो पता चलता है कि जब हम अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदा बनने की कोशिश करें तो उसमें हम क्या करते हैं। ज़ाहिर है कि हम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक नमाज, रोज़ा, ज़कात, और अगर हम साहिब इस्तेआत हैं तो हज की सआदत करेंगे। उसके साथ साथ फिर हम नेकियां करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये तो एक है बेसिक जो हमारी हुक्म है जो कि हमें बजा लाने ही हैं। इसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी है, अल्लाह ताला का उसका पसंदीदा बनना बंदा बनने से पहले हमें इंसानों का पसंदीदा बंदा बनना होगा, क्योंकि ये तो हुक्म जो है इसको बजा लाना तो अल्लाह के तहत है कि वो हमें कबूल फरमाए हमारी इबादत को और हमें माफ़ फरमाए, लेकिन जो लोगों के साथ हमारा सलूक है उसका बेहतर होना और अल्लाह ताला के नज़दीक उसका महबूब होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हमें हर वक्त ये हमें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है और जो भी हम हरकात सुकनात हमारी हैं वो उसकी नज़र में हैं। तो इससे बहुत सारी चीज़ों में तो वैसे ही हम अलर्ट रहेंगे और हो सकता है कि हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ दें इसी बुनियाद पर। दूसरा ये है कि दूसरों के साथ अच्छा सलूक जब हम सोचते हैं कि करने का, तो उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिसमें हमें अगर हम थोड़ा सी तवज्जा दें तो हो सकता है कि हमारे जो मामलात हैं दूसरों के साथ वो बहुत बेहतर हो सकते हैं, और अल्लाह ताला का पसंदीदा बनना बंदा बनना भी शायद हमारे लिए आसान हो जाए। उसमें सबसे पहले तो है कि ज़ुबान पर कंट्रोल, नंबर टू पे है ख़ुद को बदलना, फिर है आपको मालूम होना चाहिए कि तब्दीली किस एरिया में लाने की ज़रूरत है हमें। नंबर आगे चौथे नंबर पे आ जाता है कि अच्छी सोबत का होना, फिर है सबसे जो बड़ा अमल है वो है ख़ुद एहतसाबी का। अब हम जैसे कि कह रहे हैं कि ज़ुबान पर कंट्रोल, जैसे घर वालों के साथ अक्सर हम बोलते हुए हमारे लहजे के अंदर तलखी आ जाती है, बच्चों को नसीहत करते वक्त हम ज़रा ज़्यादा तेज़ हो जाती है हमारी ज़ुबान, तो उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर वक्त दूसरा जो है सुनने वाला है जो वो आपकी नीयत के बारे में नहीं जानता। हो सकता है कि आपकी नीयत इंतहाई सादा हो उस वक़्त और बहुत ही पॉजिटिव हो, लेकिन जो ज़ुबान की कड़वाहट है, जो ज़ुबान की तेज़ी है, वो उस नीयत को बिल्कुल कैमोफ्लाज कर देती है। तो सबसे पहली कोशिश तो ये करें कि आप अच्छे अल्फाज यूज़ करें, अपनी ज़ुबान को नरमी से अदा करें, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। फिर दूसरा है कि ख़ुद को बदलना। अब ये जो मैं बदलना कह रही हूँ वो है कि सबसे पहले तो हमारे अंदर एक एतराफ़ करना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कौन सी आदत बदलना चाह रहे हैं और क्या हम समझते हैं कि ये हमारे अंदर कोई कमी है। तो उसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो है कि पहले एतराफ़ करें और फिर अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमारी मदद करे और हमारी पिछली गलतियों को माफ़ करे और आइंदा हमें तौफीक अता फरमाए कि हम उस पर अमल कर सकें। फिर मालूम होना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ पे तब्दीली लानी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तब्दीली कहाँ लानी है, ये सबसे बेहतर जो है वो हमारे घर वाले हमें बता सकते हैं। तो हम अगर उनसे कम से कम इतना सलूक रखें कि वो आपको अच्छा फीडबैक दे सकें, क्योंकि इसमें फेयर फीडबैक जो है वो इंतहाई ज़रूरी है।
वो मेरा ख्याल है कि अगर हम बग़ैर गुस्सा किए हुए अपनी बीवी और बच्चों के ख्याल कभी कभी जान सकें तो वो बहुत ही बेहतर होगा और हमें चेंज करने के लिए अपने आप को वो बहुत ज़्यादा मददगार होता है साबित। आगे जो पॉइंट है वो है कि अच्छी सोबत का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप का उठना बैठना उन लोगों में है जो कि ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, जो दुनियावी कामों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं या उनमें मॉरल वैल्यूज़ की कमी है, तो यकीनन आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर भी वो रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहरहाल जहाँ आप हर वक्त टाइम गुजारते हैं तो उसका बड़ा असर होता है तबीयत के ऊपर। अगर आप उन लोगों के साथ बैठें जिनको कोई मॉरल वैल्यूज़ हों, जिनकी अप्रोच जो है वो थोड़ी सी अल्लाह ताला से डरने वाली हो, तो यकीनन उसका बहुत अच्छा और पॉजिटिव असर होता है। क्योंकि जिस तरह दोस्त आपको जो मशवरा देने वाला है, अगर उसके अंदर कोई विजडम होगा तो यकीनन वो आपको एक अच्छा मशवरा देगा। तो इसलिए प्लीज़ अपनी सोहबत के बारे में अलर्ट रहें कि आपका उठना बैठना अच्छी मजलिस में हो। इसके साथ एक एग्जांपल है, जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जब खुराक जो हासिल करते हैं, जो हम रोज़ाना खाते हैं, उसका असर जो है हमारे बॉडी पे ज़ाहिर होता है। जिस तरह अगर हम गैर मुतवाज़न खाएंगे कि बस गोश्त है तो गोश्त ही खाते जाएंगे या सब्ज़ियाँ तो सिर्फ सब्ज़ियाँ ही खाते जाएंगे, तो आखिरकार वो अगर हम अपना ब्लड टेस्ट करवाएं तो यकीनन उसमें हमें यूरिक एसिड बढ़ता हुआ नज़र आएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हुआ नज़र आएगा या फिर आपको खून की कमी महसूस होगी। तो जिस तरह खुराक का असर होता है, इसी तरह आपकी सोबत का आप पर बहुत असर होता है, और आपकी हरकत तो सिखनात से आपकी सोबत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है। अब हम आ जाते हैं खुद एहतसाबी की तरफ। अब खुद एहतसाबी का मतलब है कि इसका एक बड़ा ही अच्छा सा तरीका है, आमतौर पर मैं भी कभी कभी ये वाला दोहराती हूँ कि रात सोने से पहले नमाज के बाद जब पलंग पे जाके लेट जाते हैं सोने के लिए, तो अपनी दुआएं पढ़ने के बाद आप ज़रूर इस बात पर गौर करें कि आज का जो पूरा दिन था सुबह सवेरे उठने के साथ आपने क्या क्या किया, किन किन लोगों के साथ आपका रابطہ हुआ, क्या क्या आपके उनके साथ सलूक थे, अपने घर वालों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, वालदैन के साथ, दोस्तों के साथ, फिर अपने वर्क प्लेस के कोलीग्स के साथ, बॉस के साथ, फिर जब आप बाहर निकले और अगर आप ग्रोसरीज करने या किसी और दुकान पर गए हैं तो दुकानदार के साथ आपकी बोलचाल, और फिर आके जब आप घर पे पहुंचते हैं तो वो जो थकावट के होने के बावजूद खुद आपका रवैया कैसा था घर वालों के साथ। तो जब हम ये पूरी एक रील चलेगी आपके सामने तो आपको बहुत सारी गलतियों का एहसास उस वक्त ही हो जाएगा कि कहाँ पे हमारी गलती थी और कहाँ पे चलें दूसरे की भी गलती हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर आप ध्यान दें अपनी गलतियों पर, क्योंकि हमें अच्छा बनना है, हमें दूसरों को अच्छा नहीं बनाना है। और जब आप खुद अच्छे बनेंगे तो यकीनन इसका असर दूसरों पर पड़ता है, आपके घर वालों पर, आपके कोलीग्स पे, आपके जो भी आपके इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो भी आपके साथ सोबत में बैठेगा, जिसका इंटरेक्शन आपके साथ होगा, उस पर भी ये इसका असर होता है। तो ये तो थी छोटी छोटी बातें जो हो सकता है आपके लिए भी फ़ायदेमंद हों। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इस पर थोड़े थोड़े अमल करते रहें और अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते रहें। अल्लाह ताला से दुआ है मुझे भी और आप सबको भी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि हम अच्छे काम करें, अपने घर का माहौल खुशगवार बनाएं, बच्चों के लिए एक अच्छी लेगेसी छोड़ के जाएं, और अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाए। चलें फिर मिलते हैं आइंदा, खुदा हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़, थैंक यू।